अब हमारा ये धरना नहीं चल रहा है, बल्कि हमारी हड़ताल का भी दूसरा दिन है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम हमारे इससे पहले खूब चले और हम लोगों की शासन स्तर से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें तमाम विभागों के प्रमुख सचिवगण थे। 12 प्रमुख सचिवों की वो समिति थी और हमारी कुछ मांगे उसमें हमने रखी थी। विशेषकर हमारा जूनियर इंजीनियर का मूल पे ग्रेड 4800 रखे जाने संबंधी बात हमने वहाँ पर कही थी और इस बात को शासन की जो उच्च स्तरीय समिति थी उसने संस्तुति सहित उत्तर प्रदेश सरकार को उसको भिजवा दिया गया है। ये बात गत वर्ष की है, मार्च 2015 की, एक लंबा समय गुजर चुका है। हम लगातार तब से सरकार का ध्यानाकर्षण विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं, हमारी वार्ताएं भी हुई हैं और फिर हमने 4-5 फरवरी को 2 दिन का हमारा धरना कार्यक्रम भी था प्रदेश स्तर पर और फिर हमने लखनऊ मुख्यालय पर 15-16-17 फरवरी को सरकार का ध्यानाकर्षण किया, लखनऊ मुख्यालय पर हमने धरना दिया। लेकिन इसके बावजूद वो शासनादेश जारी अभी तक नहीं हो पाया है। प्रतीक्षा करते एक लंबा समय गुजर गया और मजबूरी बस फिर हमने उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों को हड़ताल पर उतारा है 2 मार्च से। हमसे ये कहा गया था कि भाई हमें कुछ थोड़ा समय चाहिए, ये हमको 25 फरवरी से हड़ताल पे जाना था, उसके बाद फिर हमने 5 दिन का समय दिया, लेकिन इस दौरान भी कोई शासनादेश जारी ना हुआ। उसके बाद में हम लोग अब 2 तारीख से हड़ताल पे हैं, आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे आगे रणनीति यह है कि देखो, हम लोग हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अगर हमारे किसी साथी का, हमारे किसी पदाधिकारी का प्रदेश में किसी जगह किसी स्तर पर कोई प्रताड़ित किया जाता है, कोई प्रताड़ना होती है, तो फिर हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे राज्य कर्मचारी सेवा परिषद और कुछ आवश्यक सेवाओं को अभी हमने दूर रखा है। अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो वो भी तुरंत उसी समय हड़ताल में कूद जाएंगे। वैसे 72 घंटे बाद राज्य विद्युत परिषद जो है वो हमारे साथ हड़ताल पे जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर पर हमारे जो घटक संघ हैं उनके शीर्ष पदाधिकारीगण, अध्यक्ष और महासचिव क्षेत्रीय दौरों पर हैं और आज मुजफ्फरनगर में राज्य कर्मचारी सेवा परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष और जो कि लोक निर्माण विभाग के भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं डिप्लोमा इंजीनियर संघ के, वो आज हमारे बीच यहाँ मुजफ्फरनगर में पधार रहे हैं। काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आज